हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अर्षा। कुकिंग सुकिंग विद अर्षा में आपका स्वागत है। चलिए किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले रखी है, इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है। चलिए इसमें मैं 2 कांदे डालूंगी, जो बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने चॉप कर लिया है। और इसमें मैं 4-5 लाल मिर्च डाल दूंगी, ये 5 है। और इसमें मैं थोड़ी से काजू डालूंगी, ये काजू करीबन 10-12 काजू रहना चाहिए। ये मैंने टुकड़ों में डाला है इसलिए थोड़ा ज़्यादा है। और ये 2 टमाटर डाल दूंगी इसमें, मैं बड़े टुकड़ों में कट कर रखी हूँ। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट के लिए ढक दूँगी, जैसे कि अच्छे से ये सॉर्ट हो जाए। चलिए हो गया है अच्छे से, देखिए मिक्स हो गया है, टमाटर पिघल गए हैं। अच्छे से टमाटर गल जाना चाहिए। और गैस बंद करके इसे 2 मिनट तक मिक्स किया है। अब इसे मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ, ठंडा होने के बाद ही करिएगा। वापस एक बार फिर से चला लूँगी, जिससे एकदम बारीक स्मूथ हो जाए। हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये हमारे जॉनी जी हैं, बीच में इन्हें बड़ा टेस्ट लेना रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले रखी है, इसमें घी डाल देंगे और इसमें 2 इलायची डाल दूंगी। इलायची को मैंने तोड़ के डाला था। लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मिक्स करके एक साथ में ही मैंने डाल दिया है, क्योंकि तेल गरम हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे वरना जल जाएगा। और कसूरी मेथी मैंने थोड़ी सी डाल दी 1 चम्मच तक। और वो जो पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए हो गया है, इसमें मैं मलाई डाल दूँगी। एक चम्मच बड़े चम्मच से मलाई डाल दीजिएगा, पर घर की मलाई रहेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कंडेंस मिल्क डाल दूंगी इसमें मैं 2 चम्मच। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें जो टमाटर ज़्यादा डाला है उसको बैलेंस करने के लिए मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया। इसे ढक देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। चलिए इसमें अच्छे से उबाल आ गई है, इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें हरा धनिया डाल दूंगी मैं 1 चम्मच चाहिए, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसमें पनीर डाल दूंगी, ये 150 ग्राम पनीर था। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें ये 2 चम्मच तक बटर डाल देंगे, ये बटर पनीर मसाला है तो इसमें बटर ज़्यादा लगेगा। अनसॉल्टेड डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप पनीर सब्जी में नमक सोच के डालिएगा, जिससे ज़्यादा ना हो। तो फ्रेंड, मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।